गाइज आज अंशुल ब्लॉग पहुँचे हैं यहाँ अपने पार्टी में। केशव राम अंकल जी के यहाँ ये खड्डी का काम करते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे काम जो है वो कंटिन्यू है, चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है गाइज, वो यहाँ हुई है जहाँ पे ये काम करते हैं अंकल जी खड्डी का। वहाँ पे ये जो पीछे की दीवार है, साइड वाली जो दीवार है, देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से गिरने की कगार पे है। आधी गिर चुकी है और आधी जो है वो गिरने वाली है। और ऊपर से भी देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ये आने वाला है नीचे। और कभी भी ये दुर्घटना जो यहाँ पे घट सकती है, तो अंकल जी का जो काम है पूरी तरह से यहाँ पे बंद पड़ा है। देख सकते हैं गाइज, एक साइड ये जो दीवार है यहाँ से गिर रही है, और बिल्कुल दूसरी साइड आके ये पूरी तरह से यहाँ पे गिर चुका है। और आंटी जी यहाँ पे लाइट जला रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पूरी तरह से ये जो दीवार है ये गिर चुकी है। और बैक साइड से देखिए आप, पानी भी आ रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं पूरी जो कंडीशन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल में ये जो भवन है यहाँ जहाँ पे अंकल जी काम करते हैं, हालत में पड़ा हुआ है ये। लेकिन अंकल जी फिर भी यहाँ पे काम में व्यस्त हैं। देख सकते हैं आप, अभी लाइट गई थी इसलिए बाहर चले गए थे अंकल जी। और गाइस जी, यहाँ पे दीवारों के सच में बहुत बुरे हाल है। देखिए आप, इसमें भी दरार आ चुकी है यहाँ पे। माय गॉड, ये पूरी तरह से गिर सकता है कभी भी, तो अंकल जी का जो काम है वो पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अंकल जी आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये तो गिर रही है और मेरे खड्डी पर इस वक्त मफलर लगी है, जो कि अभी आधा तैयार है। 15-18 हज़ार रुपये का मफलर है, जी ये जी सारा बर्बाद हो रहा है। अगर ऊपर से छत गिर गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जी जी और बिल्कुल साथ में दूसरा कमरा, वो गाय, वहाँ पर एक गाय, एक बच्चू है, उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसको क्या करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। बारिश कंटिन्यू हो रही है गाइस, और अंकल जी यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि एक तरफ इनका ये बिजनेस है, इनका जो काम है, और दूसरी तरफ इनका काउ शेड है जिसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपने देखा, अभी बैक साइड से भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो रखी है इस भवन की जो है, जहाँ पे अंकल जी ये खड्डी का काम करते हैं। बाकी गाइस, मुझे लगता है इनको फौरी राहत की ज़्यादा ज़रूरत है। देख रहे हैं गाइज हम कि क्या कंडीशन है बैक साइड से। ये इनका काउ शेड है, और ये साथ में जो है जहाँ पे अंकल जी काम करते हैं, और अंकल जी आ रहे हैं हमें दिखाने के लिए। तो अंकल जी बताएं आप। इतना टुकड़ा तो रात को 10 बजे गिरा। अच्छा, रात को 10 बजे गिर हाँ, गया, रात को 10 बजे गिरा। और इसका भी खतरा है, ये भी जाने वाला है यहाँ ये से। गिरा है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कहाँ है। अपना लघु उद्योग था, इसमें अपना गुजारा करता था। ये भी गया मेरा, और गाय बांधने को कोई जगह नहीं है मेरे पास। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हैं आप, अंकल जी बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज़ इनका जो यहाँ पे काम था, यानी कि लघु उद्योग जो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा था घर पे, तो वो पूरी तरह से खतरे में यहाँ पे आ चुका है। और देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ये मलबा जो है यहाँ गिर चुका है। मलबा उठाने के लिए अगर कोई सहायता, मलबा उठाने के लिए अंकल जी कह रहे हैं कोई सहायता मिल सके, तुरंत तो सहायता कोई। तुरंत सहायता की इनको ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरी तरह से इनका जो लघु उद्योग है, यानी कि जो इनका काम है, यहाँ पे बंद हो जाएगा। ऐसा तो खड्डी में खाई थी तो। तो देख सकते हैं गाइज, ये छत भी पूरी तरह से जो नीचे आने वाला है, इसमें भी बहुत बुरी दरारें जो है वो आ चुकी है। ये दीवार भी जाने वाली है, और ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर, यहाँ पे अंकल जी खड्डी का काम करते थे। किन्नौरी शॉल, बिल्कुल सही सुना आपने, जो अंकल जी हैं ये किन्नौरी शॉल बनाते हैं, जिनका वीडियो आपने पहले भी देखा था। इन्हीं की खड्डी की ये बात यहाँ पे हो रही है, पूरी तरह से ये ठप होने वाला है यहाँ पे काम। तो गाइज, जितना हो सके इनको जल्दी से जल्दी जो राहत की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। आपने अभी वीडियो में देखा कि क्या हालात है यहाँ पे, और बारिश जो है वो कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे। तो गाइज, आप सभी भी अपना ध्यान रखें और अलर्ट रहें। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत जो है उसका वीडियो बना के अपने पंचायत के प्रधान के पास ज़रूर भेजें, और जो भी वो फॉर्मेलिटी बताते हैं वो ज़रूर उन तक पहुँचाएँ, ताकि आपको जो फ़ौरन जो है वो राहत मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।